हमारे प्यारे आका दुल आलम मौला जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह शरीफ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अपना वास्ता सब लोग पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم। محترم حضرات, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया को एक दिन मिलना है और मौत हमें आप सबको आनी है। हम भी दुनिया से जाएंगे और आप भी दुनिया से जाएंगे। आप दुनिया में कुछ भी कर लें, नेकियां करें या बुराइयां करें, जाहिर में कुछ हो अंदर से कुछ हो, यहां बैठे कुछ करें यहां बैठे कुछ करें, गुफ्तगू हमारे सामने कुछ हो किसी के सामने कुछ हो, मेरे भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ। चंद मिनट में आपको पूछता हूं। कुरान करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों के हालात भी जानता है। हम जो बोलते हैं जो करते हैं अल्लाह वो भी जानता है, और हम दिलो दिमाग में जो सोचते हैं अल्लाह वो भी जानता है। वो ऐसा अजीब और खबीर है। आप दुनिया से अपने आमाल को अपनी गलत गुफ्तगू को छुपा सकते हैं, लेकिन अपने रब से नहीं छुपा सकते हैं। परवरदिगार आलम तो अलीम खबीर है ही, लेकिन उसने इंतजाम भी बहुत जबरदस्त किया। हर वक्त दो फरिश्ते इसी काम के लिए हैं। पता नहीं आपको ये याद रहता है कि नहीं रहता, जब आप किसी से अकेले में बातचीत कर रहे हैं, किसी को छुड़ाने की फंसाने की, किसी की बुराइयां या अच्छाइयां, ना मालूम उन पर आपको याद है या नहीं है, ये दो फरिश्ते यहां हर वक्त मौजूद हैं, जिनको आप ग्रामर का कहते हैं। दाएं जाने जो फरिश्ता है वो आपकी अच्छाइयां नोट कर रहा है, और बाएं जाने जो फरिश्ता है वो आपकी बुराइयां नोट कर रहा है। आपने ये सोचा या इधर उधर मैं देखा कोई सुन तो नहीं रहा है, लेकिन उस वक्त आप ये सोच लेते हैं, ये सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आपने सोचा अनपार ना सुने, आपके साथ ना सुने, बन्ने भाई ना सुने, फला ना सुना, देख लेना या दिलाना जाए और सुन ले वो फला को बता दे जाके, लेकिन वह एक आज युवक आप ये सोचते ये फरिश्ते सुन रहे हैं और कलम भी चला रहे हैं, और देखिए एक फरिश्ता सीने के सामने 24 घंटे ऐसे फरिश्ता पीठ के सब पीछे रहता है, जो सीने के सामने है वह आपको अच्छाइयों की जानिब ले जाना चाहता है, पीठ के पीछे है बुराइयों से बचाना चाहता है, और बंदे के साथ कुछ मलाइके हफ़ज़ा रहते हैं। मलाइके हफ़ज़ा उन फरिश्तों को कहते हैं जो अल्लाह ने बंदे की हिफाजत के लिए, आप यूं समझिए रात आप सोच रहे हैं सो रहे हैं, आप बहुत से लोग सोते हैं सोते मुंह खुल जाता और ये नाक से दो दरवाजे दो टाइम खुले हुए, ये कान भी खुला हुआ है ना भाई, आपकी नाक में चीनियां घुस सकती, कान में आपके मच्छर अंदर जा सकते हैं, मेरी बात है ना, कोई कीड़ा घुके कान में अंदर चला जाए उतर जाए, नाक में चल के दिमाग की तरफ चला जाए, है ना, मुंह खोल के आप सो रहे हैं चीटे अंदर घुस जाए, क्यों नहीं घुसते, अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरिश्ते हो गए। या रसूलल्लाह, तो आप जरा गौर किए कि अल्लाह तुम्हारी किस तरह हिफाजत करता है, अल्लाह तुम्हें किस तरह बचाता है,
अब यह हम लोग गाली में चलते हैं, अब खुदा की तरफ से क्या लिखा बात अलग की है। तो अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया, जब बंदा सफर में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह मुसाफिर की हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर कर देते हैं। आप देखिए कि परवरदिगार आलम हमारी किस तरह हिफाजत कर रहा है, लेकिन आप गुनाहों में किस तरह मुलव्वस हैं, आप गुनाहगारों में किस तरह मुलव्वस हैं। ये जितनी कुर्सियां सभी भरी हैं, दो चार छोटे सभी भरी हैं, मैं इनसे भी सवाल करूं कि इतने कितने लोग हैं जो दुआ की नमाज जमात के साथ पढ़ रहा है। जितने यहां पर बाजवाए बैठे सब पर फजर की नमाज भी फर्ज थी और अभी जो जोहर गुजरेगी जोहर की नमाज भी फर्ज थी, लेकिन आपको शर्म नहीं है, आपका जमीर गोया एक मोटा जैसा हो गया, आपको हिसाब नहीं हुआ कि हम आज मरहूमा की फातिहा जेलों में जा रहे हैं और कल हमारी भी फातिहा जेल हमारा भी चल सकता, आज वो मरहूमा कब्र में लेके हुए हैं कल हम भी कब्र में जाके ले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, आपको हिसाब नहीं है। हालांकि कुरान सुनो, कुरान फरमाता है कलमा पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, ज़कात देगा, शरीयत की नेक दीन की बातें करेगा, तो क़यामत के दिन वो नेकियां उसके सामने होगी, खुद देखेगा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मैंने जो दुरूद पढ़ा था वो दुरूद ये है, जो नमाज पढ़ी थी वो नमाज ये है, जो ज़कात दी थी वो ज़कात ये है, जो लोगों को बुराइयों से बचाया था वो नेकी हमारी ये है, जो हमने मोहब्बत की बातें की थी वो मोहब्बत की बातें ये है, और जो तुम बुरा करोगे इख्तिलाफ की बात इंतशार की बात पीछे बुराइयां और नमाजें छोड़ना गालियां देना बुराइयां करना, बुराई देखेगा कि दुनिया में से ज्यादा कोई भी मालूम न करने पाए, लेकिन अब तुम्हारे सामने होगी जो हमने गाली बकी थी वो ये है, जो हम तन्हाई में बुराई कर रहे थे वो ये है, जो गीबत कर रहे थे वो ये है, जो चुगली कर रहे थे वो ये है, जो लड़ाने की बातें कर रहे थे वो ये है, जो तुम्हें छोटी बुरी कोई बुराई करोगे वो बुराई भी तुम्हारे सामने होगी, जो अच्छाई करोगे वो अच्छाई भी तुम्हारे सामने होगी। फिर एक बार कुरान एक मकाम पर फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, इस सब अपनी अपनी बुराइयां देखेंगे अपनी अपनी अच्छाइयां देखेंगे, और दूसरे मकाम पर ऐलान किया कि कोई किसी का क़यामत के मैदान में भूल चुकी है, किरदार अपनी जिंदगी के संग बेतार होंगे। ऐ मेरे प्यारे अजीज, उस वक्त तुम क्या करोगे, उस वक्त तुम्हारा क्या होगा, आज तुम्हें तो दौलत की परवाह है कि माल कमाना चाहिए घर बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हें मस्जिद का ख्याल नहीं है, तुम्हें नमाज का ख्याल नहीं है, नेकी का ख्याल नहीं है, प्यारे मोहब्बत की बात करने की तुमको तबीयत नहीं है, आपस में अपने आपको मोहब्बत का माहौल बनाने का तुम्हें ख्याल नहीं है। जब क़यामत में परवरदिगार तुमसे सवाल करेगा तुम्हारे खुदा को मुंह क्या दिखाओगे और अपने खुदा को जवाब क्या दोगे। ऐ मेरे प्यारे जी, मेरी मोहब्बत से गुजारिश है कि दुनिया चल रोजा है, अब को याद करो, कल एक फातिहा में शरीक था, फातिहा थी कल जामिया अहमदिया में, आप आए नेमत मुर्शिद करीम मुक्तदाए वक्त सैयदना सरकार अकबर मशायख रजी अल्लाह तआला, तो मेरी तकरीर से पहले एक साहब पढ़ रहे थे, अब शेर मिल गया, फिर मैं नहीं टोका होगा ये अब क्या आपको मुझे बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो मैंने कहा मेरे मुझे बात हदीस से है भाई कि रसूलुल्लाह हदीस से पाक फरमाते हैं, हमें फरमाते हैं कि मैंने कब्र से ज़्यादा कोई खौफ अंतर नहीं देखा। आइए शायर के लागे मुझे कब्र का खौफ ही नहीं, नहीं इसलिए नमाज नहीं पढ़ना भी शायद कब्र का खौफ हो तो नमाज पढ़ना, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मैंने कब्र से ज्यादा तो कोई खौफ लाग अंतर नहीं देखा। सरकार आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह की जान जिंदगी होती है मुकद्दसा उम्मुल मोमिनीन मुज्तहिदाए वक्त, सरकार आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह दुआ फरमाते थे तो कब्र के आधार से दुआ पढ़ना कर जाते थे, हालांकि अल्लाह के नबी का दावा क्या मतलब है, मैंने तो ये पढ़ा है अगर आलमी बामल
قبرستان سے گزر جائے اس عالم کے قدموں کی برکت سے آزاد کو اٹھا لیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی قبروں کی عذاب جو پناہ مانگ رہے تھے, یا تو یہ اپنی امت یا اپنی امت کے عذاب امت کو عذاب سے بچانے کی پناہ, یا امت کو سبق دینے کے لیے پناہ مانگ رہے تھے. میری امت سبق لے کہ جب ہماری یہ روش ہے تو ہماری امت کی روش کیا ہونی چاہیے. میرے پیارے عزیز, خدا کے واسطے جاگ جاؤ, بہت سو لیے بہت سو لیے, تم نے بدام آئی ہوئی ساری زندگی گزارا, گناہوں میں ایک دم غلطی سے نمازیں چھوڑ دی, مسجد ویران ہے, نیکیوں کے توفیق نہیں, ماں باپ کا ادب نہیں, بڑوں کا احترام نہیں, زبان پر جھوٹ ہے, غیبت ہے, چوری ہے, برائیاں ہیں, ایوا شراب سچے میں آج ہمارے اور کون نوجوان ہمارے بچے مبتلا ہیں. اے میرے بھائی, اللہ کا عذاب کیسا ہے آپ جدھر دیکھیے, چاہے امریکہ کو دیکھیے, چاہے برطانیہ اور چاہے لڑائی کو دیکھیے, آپ جہاں دیکھیے اس امت پر ایک عذاب ہے, اور یہ امت ظلم و بربریت کا شکار ہے, لیکن اس امت کو ذرا سا احساس نہیں ہے چاہے ان حالات کا. جب دنیا میں بے دماری آفت ہے, قبر میں اس سے زیادہ آفت ہوگی, اس سے زیادہ آفت ہوگی. ابھی وقت ہے میرے پیارے عزیز, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اپنی قبر کو یاد کر لو, اپنی قبر کو سوچو, اپنی موت کو سوچو, اپنی آخرت کو سوچو, اپنے گناہوں کی توبہ کر کے نماز کے پابند ہو جائیے, آپ اپنے اخلاق و محبت کو قائم کیجیے اور برائیوں کے ماحول کو مٹاؤ. اے میرے بھائی, مومن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ فقط دنیا کا خیال رکھے, حق بات یہ ہے کہ مومن کو اپنی آخرت کا دنیا سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی, اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی, اور تھا بھی یہی کہ رسول اللہ کے دیوانے اپنی آخرت کو دنیا پر فوقیت دیتے تھے, اور اسی آخرت کے لیے جان مال بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. کہ یا رسول اللہ دنیا بگڑے تو بگڑ جائے, ہماری آخرت خراب نہ ہو, اللہ کے نبی ناراض نہ ہو, ہمارا خدا ناراض نہ ہو. سبحان اللہ, یا اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد اللہ. لہذا میرے پیارے عزیز, للہ میں گزارش کرتا ہوں, آپ باہر کے ان سے بھی اور جو یہاں ان سے بھی اپنی محلوں کے اپنے گھر کے افراد کو نماز پڑھائیں, آپ اپنے اخلاق و محبت کو قائم کیجیے, برائیوں کا خاتمہ کیجیے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, رب کریم مجھ جیسے گناہگار اور ہم سب کو اللہ نیکی کی توفیق دے, آخرت کی فکر عطا کرے, ایمان کا خاتمہ نصیب کرے.